अस्सलाम वालेकुम, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एसकेजेड फैशन। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा सा एक नेक डिज़ाइन लेकर आई हूँ, जो कि मैं खुद आपको बनाकर दिखाऊंगी कि किस तरह से ये बनता है। इसकी कटिंग जो है वो मैंने पहले एक वीडियो में आपको बता दी हुई है, तो आज जो है मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताऊँगी। तो फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल है इसको मतलब बनाना भी, तो इसलिए मैंने आपके साथ मैं बनाने लगी थी अपनी शर्ट पे। वैसे तो मैं सिंपल सा अपना सूट सिलाई करना चाह रही थी, लेकिन फिर मैंने कहा सिलाई तो अब काट ही रही हूँ, तो चलो गला थोड़ा सा मतलब बना लेती हूँ बिल्कुल गोल। वैसे मैंने गला पहले बनाना था, लेकिन फिर मैं कहा ऐसे का गला बना लेती हूँ, आपको बता भी दूँगी। तो इससे पहले कि मैं आपको बताऊं, तो मेरी वही छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और मेरी वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो फ्रेंड, ये देखिए, ये जो गले की कटिंग मैंने काट ली हुई है, ये देखिए नीचे से आप देख रहे हैं क्रीज बैठी हुई है, इसके ऊपर हमारी बिल्कुल नोक आनी चाहिए। तो हमने गला जो है अच्छी तरह से इसके साथ अटैच कर लेना है प्रेस के साथ। तो साथ में ये देखिए ऊपर आप कट देख रहे हैं, तो ये मैंने कट जो है वो फोल्ड करके तो 3 इंच के फासले में लगाए थे, क्योंकि खोलने के बाद ये 6 इंच बन गया था। तो ये देखिए एक और कपड़ा मैंने लिया है, तो इस कपड़े पे भी जो मैंने 3 इंच का मतलब 10-10 इंच इसकी लंबाई चुड़ाई है, और बाकी जो है मैं इसको भी कट लगा लिए हुए हैं फोल्ड करके 3 इंच के फासले पर, इसको मैंने कट लगाए थे। तो बाकी जो है मैं अब इस कपड़े को उसके साथ अटैच करूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने सेम कपड़ा लिया है, अगर आपके पास सेम नहीं भी है तो आप कोई और भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये गले के नीचे फोल्ड हो जाना होता है, कौन सा ऊपर नज़र आना होता है। तो आप जैसा भी मतलब और कोई कपड़ा भी लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं, मेरे पास सेम आया था तो इसलिए मैं लगाने लगी हूँ। ये देखिए इसकी उल्टी साइड है और सीधी साइड के साथ मैं ये सीधी साइड मिलाऊँगी, उल्टी साइड जो सी है वो मतलब इसको सीधे कपड़े को सीधा करके रखा है, इसके ऊपर कमीज़ की सीधी साइड में रखूँगी और कट जो लगे हुए हैं उनके साथ दोनों मतलब कट मिला दूँगी, नीचे वाला और ऊपर वाला। तो ऐसे ही मैं मिला के तो फिर इसको सिलाई लगाऊंगी। तो इसको फ्रेंड मैं पहले मैं इसको ये देखे ये कॉमन पिन के साथ इसको मतलब अटैच कर लूँगी कॉमन पिन की, ताकि कपड़ा इधर उधर सरके ना, तो फिर बाद में फिर मैं इसको सिलाई लगाऊंगी। तो ये देखिए मैंने पिन के साथ इसको अच्छे से मतलब बिठा लिया है अपनी जगह पे, ताकि ये इधर उधर सरके ना। मैं मशीन की तरफ चली जाऊँगी और इसको अच्छी तरह सिलाई लगाऊँगी। तो उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूँगी, ये देखिए यहाँ से हमने बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं आने देनी, बिल्कुल बुकरम के साथ साथ हमें सिलाई लगानी है, ना ही हम ज़्यादा उधर वाली साइड पर सिलाई लेके आएंगे, ना ही बुकरम के ऊपर लेके आएंगे। अगर हम ऐसे करेंगे तो फिर जो है हमारा गला जो है वो फिनिशिंग के साथ नहीं बनेगा, तो इसलिए हम जो है इसको ये ध्यान में रखना होता है, हमें बिल्कुल सिलाई साथ साथ में लगानी होती है। यहाँ पे आगे हम नोक को सुई की नोक को रोकेंगे और फिर हम आगे जाएंगे, फिर उधर नोक के ऊपर सुई को रोकेंगे और फिर दोबारा हम ऐसे ही मतलब करते करते हम सिलाई लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये मतलब आपको मैं इसलिए बता रही हूँ कि बिल्कुल आपने साथ साथ सिलाई लगानी होती है, बिल्कुल इधर उधर कहीं नहीं करना होता। तो अब ये देखें, अब मैं मशीन के ऊपर इसको सिलाई लगाऊंगी, तो मैंने बिल्कुल इसको बुकरम के ऊपर थोड़ा सा रखा है और बाकी जो है मैं सिलाई इसके साथ साथ बिल्कुल लगाती जाऊँगी। तो ये देखें, ये मैं यहाँ पर नोक तक ले आई हूँ, तो अब यहाँ पर मैंने सुई की नोक को इसके अंदर ही रहने दिया है। तो अब मैं इसको मतलब कपड़े को इधर वाली साइड पे करूँगी, ये देखें ऐसे। तो अब मैं फिर दोबारा सिलाई लगा के तो फिर इसको किनारे पे ला के रोक दूँगी। ये देखिए फ्रेंड, ऐसे ही फिर मैं अब सिलाई लगा रही हूँ इसको किनारे पे रोक के, तो फिर मैं दोबारा उधर वाली साइड पे करूँगी। ये देखिए ऐसे ही अब मैं इधर से सिलाई लगाऊँगी इसको, फिर दोबारा मैं नोक के ऊपर मतलब किनारे के ऊपर ला के तो फिर सुई की नोक को वहाँ पे नीचे कर दूँगी। तो फ्रेंड्स, सुई की नोक को नीचे करने का मकसद ये होता है कि हमारा किनारा जो मतलब नोक जो है हमारी है बिल्कुल किनारा जो है वो बिल्कुल नफासत से बन जाता है, फिर कपड़ा इधर उधर भी नहीं होता और साथ में हमारी सिलाई भी साथ साथ फिर लगती है। तो इसलिए सुई की नोक को आप ध्यान रखा करें, जो भी किनारा आपने बनाना हो उस सुई की नोक आप अंदर करके फिर ही बनाएं। तो ये देखें इसको, इसके भी मैं ऐसे ही करूँगी। तो अब इधर से फिर दोबारा मैं यहाँ पे आके तो फिर यहाँ किनारे पे रोकूँगी। तो
अब मैं जो है वो गुलाई की सिलाई मतलब वैसे ही लगा लूँगी, वो गोल गला जैसे बनाते हैं सिंपल वैसे सिलाई लगा लूँगी। फ्रेंड्स मैं आपको ऐसे इसलिए थोड़ा थोड़ा भी बताती हूँ ताकि जिनको बिल्कुल भी सिलाई करनी नहीं आती है उनको सब पता चल सके कि वो किस तरह से आपने मतलब करना है। तो मैं इसलिए आपको थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बात बताती हूँ साड़ी के, आपको मतलब जिन लोगों को बिल्कुल भी जिनको आती है उनको तो आती है, लेकिन फिर भी जिनको नहीं आती उनके लिए छोटा छोटा जो पॉइंट भी है वो बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए मैं आपको बताती हूँ थोड़ा थोड़ा करके। तो ये देखिए अब मैं हाफ हाफ इंच के फासले से काट लूँगी इसको, कपड़े को जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो कटिंग काट लूँगी। तो फ्रेंड्स मुझे तो अंदाज़ा है इसलिए मैं इस तरह से कटिंग कर रही हूँ, तो आप लोगों को चाहिए कि आप इंची टेप के साथ उसको मतलब नाप के आधा इंच फिर आप काटेंगे ना, वो आपसे ज़्यादा कट जाए या फिर कम कटा जाए तो फिर वो अंदर फोल्ड ना ठीक से, ज़्यादा कट के फिर सिलाई कटने का खतरा होता है, तो इसलिए आपने ध्यान से इसकी कटिंग करनी है। तो कटिंग करने के बाद फ्रेंड्स हमने ये कट लगा लेने हैं, ये गुलाई वाला जो हिस्सा है इस पर हाफ हाफ इंच के फासले पे हम कट लगाएंगे, और जो से नीचे तीन किनारे बने हुए हैं वहाँ पे किनारों पे अलग अलग से हम कट लगाएंगे तीन। तो फिर बाद में ये मतलब कट लगाने से ये होता है कि हमारा जो फिनिशिंग अच्छे से आ जाती है, जब हम अंदर वाली साइड पर फोल्ड करते हैं तो बहुत अच्छे से फोल्ड हो जाता है। तो ऐसे ही हम इसको कटिंग करके तो फिर कट लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स कट आपने जो लगाने होते हैं वो आपने देख के लगाने होते हैं, क्योंकि वो सिलाई के ऊपर आपका कट बिल्कुल भी ना आए, अगर सिलाई के ऊपर आ जाएगा तो फिर आपका गला जो है वो उधर जाएगा सारा, तो इसलिए आपने इस चीज़ का ध्यान रखना होता है। तो ये देखिए यहाँ से मैं पहले कट लगाऊंगी, मैं बिल्कुल सिलाई को मद्देनज़र रखते हुए कट लगाऊंगी, ऐसे ही मैं दूसरे कट भी लगा लूँगी। यह मैं गुलाई वाले पे हाफ हाफ इंच के फासले पे ये कट लगा रही हूँ फ्रेंड, आपने भी इसी तरह ही लगाने हैं बिल्कुल। तो फिर मैं इसको कट लगाने के बाद सीधी साइड पे इसको फोल्ड कर दूँगी कपड़े को, ये क्योंकि हमने कमीज़ की उल्टी साइड पे गला लगाया हुआ था, तो अब मैं इसको सीधी साइड पे जब फोल्ड करूँगी नीचे जो कपड़ा रखा था वो अंदर वाली साइड पे काट दूँगी, तो फिर ये हमारा गला जो है वो मतलब फिर तरपाई बस हम करेंगे तो हमारा गला तैयार हो जाएगा, नेक डिज़ाइन हमारा जो है। तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ से जो हमने नोक बाइट निकालनी होती है, ये नोक मतलब आप ऐसे उंगली के साथ निकाल लेते हैं लेकिन इसकी जो आगे से नोक है बिल्कुल सही तरीके से नहीं निकलती है, तो वो आपको सुई के साथ निकालनी होती है, तो वो ध्यान से आपने सुई के साथ इसकी नोक निकाल लेनी है। ये देखें तो कट लगाने के बाद मेरा गला कितना प्यारा लग रहा है, ये देखें ये ऐसे आपने निकाल लेनी है नोक, ज़्यादा भी नहीं आपने खींचना कि वो कपड़ा ही अंदर से निकल जाए, तो बस नोक ही आपने निकालनी है इसकी। दूसरी साइड से भी हम ऐसे ही निकाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स ये जो आप ऊपर वाली साइड पे एक्स्ट्रा कपड़ा ये मैं कटिंग कर लूँगी, जो मैंने फोल्ड करके तरपाई करनी है तो अच्छी तरह मैं उसको कटिंग करूँगी। नीचे वाले कपड़े का आपने ध्यान रखना, नीचे वाला कपड़ा कमीज़ का ना कट जाए हमारा, बस ऊपर ऊपर से हमने काटना है। तो फिर उसके बाद हमने जो है इसको फोल्ड करके अच्छे से प्रेस के साथ बिठा के तो फिर इसकी हमने तरपाई कर लेनी है। तो ये देखें इसकी मैंने कटिंग कर ली है, तो अब मैं इसकी तरपाई बाद में करूँगी। ये देखें यहाँ से भी अगर आपने तरपाई करनी है तो आप कट लगा लेंगे, दरमियान में फिर तरपाई अच्छे से हो जाएगी। तरपाई मैं खुद ही बाद में कर लूँगी क्योंकि मैं आगे ही बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई है तो मज़ीद लंबी नहीं करना चाहती। तो ये देखें इस तरह से हमारा गला तैयार हो चुका है, ये मैंने प्रेस के साथ अच्छे से बिठा लिया, तो ये आप देख सकते हैं कितना प्यारा मतलब नेक डिज़ाइन लग रहा है। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि मैंने इसकी जो कटिंग है वो आपको पहली वीडियो में बता दी हुई थी, तो ये अब मैंने आपके साथ स्टिचिंग शेयर किया। और यहाँ पे आप अगर आपको ये ज़्यादा डीप लगे तो आप यहाँ पे एक बटन भी लगा सकते हैं, ये जो नोके निकली हुई हैं इसके साथ आप बटन भी अटैच कर सकते हैं अगर आपका दिल करे तो, नहीं तो वैसे ये हमारी डीप इतना डीप ही होना चाहिए गला, इतना ज़्यादा डीप नहीं मैंने रखा। तो ओके फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।